धन्यवाद किसान भाइयों, अगले वीडियो में मैं आपको चने छिलके के बारे में बताऊं। राम राम किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अरविंद यादव, पशु चिकित्सक, मेरा पशु 360। जैसा कि पहले ही वाली वीडियो में हमने आप लोगों को बिनौला खल के बारे में बताया था, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको चने छिलके के बारे में आज बताने जा रहा हूँ, जो एक बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाला चना छिलका है और पशुओं और किसान भाइयों के लिए पहली पसंद है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 4-5% ही होती है, लेकिन ये पानी को बहुत ज़्यादा अवशोषित करता है और पशु इसे बहुत चाव से खाता है। तो ये जो चने की दाल बनाई जाती है उससे पृथक किए हुए छिलके होते हैं और ये पूर्णतया शुद्ध होते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई भी मिलावट नहीं होती है। इसको खिलाने से पहले 2 घंटे पानी में भिगो दीजिए। ये पानी को बहुत ज़्यादा अवशोषित करता है और इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर इसको चाहे सानी में या अन्य पशु आहार जैसे चूरी, छिलका, खल के साथ भी मिलाकर खिलाया जा सकता है और पशु इसे बहुत चाव से खाता है। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। इसको खिलाने से पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पशु को मिनरल्स की प्राप्ति हो जाती है। इसको खिलाने के लिए आप प्रत्येक पशु प्रतिदिन 1 से 1.5 किलो पानी में भिगो कर खिलाएँ, जिससे पशु स्वस्थ बना रहेगा और पशु चाव से अन्य चीज़ें भी खाएगा इसी के साथ साथ, और आपको उच्च गुणवत्ता का दूध प्राप्त होगा, जिससे बाज़ार में उसकी आपको एक अच्छी कीमत मिलेगी। धन्यवाद किसान भाइयों, इसी सीरीज में मैं आगे आपसे बात करूंगा संतुलित 15,000 के बारे में। स्वस्थ पशु और संतुलित पशु आहार के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें किसानों का भरोसेमंद ऐप मेरा पशु 360।